अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें उसके फ़ज़ल और करम से ठीक ठाक और तंदरुस्त रहें। आमीन सुमा आमीन। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज सुबह जब हम लोग सो के उठे तो बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत था, मौसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी और सावन की बारिशों में से आज का मौसम भी उन्हीं में से एक था और हर चीज़ जो है धुल के निखरी निखरी लग रही थी। माशाल्लाह से हर चीज़ में अल्लाह पाक का हुसन नज़र आ रहा था। तो आपको दिखाते हैं कि हमारे गार्डन में एक अमरूद का जो वो दरख्त है उसके ऊपर भी माशाल्लाह से सावन के मौसम का जो फल है वो लग चुका हुआ है, लग के पक भी चुका हुआ है और हमारे ये अमरूद माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार हैं। लेकिन इनमें है कि सावन के मौसम इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं जब वो ज़्यादा पक जाते हैं। अगर कच्चे कच्चे खा लिए जाएं तो उनका जो टेस्ट भी अच्छा रहता है और उनमें कीड़े भी पैदा नहीं होते। तो सुबह सुबह का क्योंकि टाइम है तो नाश्ते को भी दिल चाह रहा है करने को कि गर्मा गर्म पराठे और साथ में चाय या फिर कोई ऐसी चीज़ हो कि जो मज़ा दे जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो हमारे जो चिरिंद परिंद थे वो भी सारे बेचारे भीग चुके थे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह इस बारिश को सबके लिए बाईस रहमत बनाए। वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम भी ठीक हैं। आज आप लोगों को एक है तो मशहूर है, आपको नई जगह की सैर कराते हैं फिर बताते हैं किधर आपको लेके जाते हैं और कौन सी जगह दिखाते हैं। आज आपका ड्राइवर चेंज है? नहीं, अभी मेरा बेटा मेरे साथ है। ड्राइवर नहीं, मेरा बच्चा। आज आपकी फीमेल ड्राइवर नहीं, मेल ड्राइवर है ना? हाँ, क्या पता उस एरिया में बारिश ना भी हुई हो, सारी जगह पे थोड़ी ना बारिश होती है। लेकिन यहाँ तो बारिश के माशाल्लाह से सारे रास्ते बंद हुए पड़े हैं, ये इसके पानी के जाने के निकासी वाले जो है। कसूर भी कहता मामू कह रहा बहुत बड़ी हो रही, पता है क्या, वरना उन लोगों ने पहले ही बताया था कि यार इस्लामाबाद पिंडी इस्लामाबाद क्या हुआ है बहुत ज्यादा, उधर भी इंडिया में कराची और इंडिया में इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में तो पता नहीं चलता जितनी मर्जी बारिश हो जाए उधर जो। हाँ, क्योंकि वो सारा ऊंचा है ना, गाड़ियां लोड के जा रहे हैं वो उधर हो सकता है। अभी किया था इस्लामाबाद में, पिंडी में हो सकता है, इस्लामाबाद में नहीं पता चलता जितनी मर्जी बारिश हो जाए। 64 लोगों ने दे, मैं क्या है अभी ओपन की। वाओ, क्योंकि एक दो दिन ना जो ना फिर वो पानी के ड्रॉप्स देखे बारिश के ऊपर कितने खूबसूरत लग रहे थे। मेरे फैसल को उसने कहा भी आप ही एक बना के और आ गया वो मरा, नहर भी देखे जरा फुल पानी से भर गई है। ऐसी जब पानी ज्यादा हो जाएगा बारिश, कहते हैं कि सैलाब जो है ना बहुत इस साल में पहले उन लोगों ने वो किया, पेशन गोई की है। हाँ, पेशन गोई की हुई कि इस दफा सैलाबी बारिशें हैं। तो देखो ना आधा एक घंटा बारिश हुई थी कितना पानी खड़ा हो गया, देखो ना बाजारों में एक घंटा भी नहीं हुआ तो इतना पानी खड़ा हो गया। तो ये तो हकीकत ही बात है कि जब वो सैलाबी बारिशें होंगी, जब ऐसे होगा तो वो बता रहे थे कराची और इंडिया में बहुत जो है ना इस दफा होंगी। तो अल्लाह ताला रहम करे, ये कौन सा बंदे का इजी होता है, बहुत मसले बन जाते हैं जब कोई बंदा घर से बेकार होता है, कोई घरों में पानी आ जाए जब कुछ हो जाए तो कितने मसले बनते, कोई किसी के घर में मेहमान चला जाए तो वो तंग हो जाते हैं एक दिन में। तो अल्लाह ताला ये भी रहम करे सब। हाँ जी, अल्लाह ताला जो है ये रहमत की बारिश करे सबके लिए, किसी के लिए भी जहमत ना बने। बने फैसल, आज आप चुप चुप है, आज हमारे फैसल साहब सीरियस मूड में है। क्या हुआ फैसल? आपका जो फैन है ना काशी गोंदल, वो परेशान होएगा कि मेरा भाई आज सैड सैड है। हैं फैसल,
नहीं साइड की हो, सीरियस सीरियस है ना। वालेकुम सलाम भाई जी, भाई जी बारिश ये सारो पासे ही एवें हुई, तो फिर राजावाल जज्जल साहब जगह तो ये उधर भी बारिश हो रही, तो फिर अच्छा नहर वेखो अम्मी जी किन्नी फुल हुई है, नहीं ये रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान। कौन सी जगह है पता है आपको? दिल्ली गेट। हाँ दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट है। तो अभी हम इसके अंदर जाएंगे, टुक टुक पे बैठिए। हाँ जी हाँ, गाड़ी पे आए हैं तो हम अंदर जाने के लिए, बारिश हो रही है। हमने कहा था कि पता नहीं इस साइड पे बारिश नहीं होगी, वरना बारिश हो रही है। अभी हमें इसका फ़ायदा उठाना पड़ा कि हम एसी में बैठ के थोड़ा सा अंदर मार्केट में जाना है, तो इसलिए वरना पैदल ही जाते। हाँ वरना पैदल ही जाते, इसलिए हम थोड़ा सा सफ़र जो है ना इसमें रिक्शे में करेंगे, रिक्शे में करेंगे। तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं हम क्या शॉपिंग करते हैं, क्योंकि एक बहुत पार्टियाँ आ रही है दूर शादी की, तो वो अभी दिखाते हैं किसकी है और किसके लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देना ले चो देने वाला नहीं, नकद ही बंदे लेना भी तो चाहिए ना, आपदे को जड़िया रस्मा रस्म होंदिया ने वो तो बंदे लैनी चाहिए, अम्मी वो भी नहीं लैन देंगे, वो भी अम्मी कहते नहीं पैसा। हाँ वो भी अम्मी कहते नहीं रहन दो, अम्मी फायदा करती है ना, कभी साडा भी फायदा। हाँ जी हाँ जी अम्मा जी। हाँ तो ये हो गई शादी की शॉपिंग हो रही है, मैंने तो भी देश भी नहीं देख रहे हैं, लड़कों के कपड़े देख रहे हैं, फिर वो लड़कियों के भी दिखाते हैं, क्योंकि ये हो रहा है कि मैरिज आपको भाई में दिखाएंगे कि किसकी मैरिज है, तो उसकी हम शॉपिंग कर रहे हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं साथ साथ वो भी दिखाएंगे। हाँ जी ये देखो फैसल ने कलर पसंद किया है, कहता है कि ये मैंने मेहंदी में ये कलर पहनना है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर। बाकी ये सारे कपड़े जो है वो बच्चों के लिए कटे पड़े हैं। और ये कर ले सारे, यहाँ आके मम्मा को याद आया कि बहुत से लोगों के कपड़े लेने वाले हैं यार, बस एज यूजुअल। लड़कों की शॉपिंग के बाद लड़कियों की बारी आई, और यहाँ से हम लोग लेने तो 3 सूट आए थे यहाँ भी, लेकिन जब बैठे तो फिर हमें याद आया कि बहुत से बच्चों के सूट लेने वाले हैं, तो फिर सबके लिए जो यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की, और यहाँ पर अम्मा जी के साथ एक प्रैंक हुआ, तो चलें आपको दिखाते हैं कि वो अम्मा के साथ क्या हुआ था, तो देखें ज़रा। अम्मा जी चूँकि माशाल्लाह से शॉपिंग करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, इस वजह से उन्होंने वहाँ अपनी चलाई और वहाँ से हम लोग वापस निकले, तो ये बाहर जो है वहाँ पर कोतवाली सी ये का थाना है, तो हमने सोचा आपको दिखाएं ज़रा।
तो जनाब ये हमारी शॉपिंग जो आज सारा दिन हम लोग करके लाए और हम लोगों ने ख़रीदा और घर आके भूख ज़ोरों पर थी, वहाँ से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं जी एंड। ओके, टेक केयर, फी अमान, अल्लाह हाफिज़।